लेट्स गो एंड रॉक द मोटो व्लॉग। हेलमेट के बिना डिलीवरी करना निकल चुका है। वी आर एट कोर्ट डिटेलिंग। सो कैसे लोग हैं यार, इन लोगों को लाइसेंस कौन देता है? उसे कुछ देखो रास्ते में। एंड दिस इज अ 5 गियर बाय द वे। Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed, baby. Oh, yes, my daddy. Thank you, man. Oh, start मेरे से होता नहीं है भाई, देखते होता कि नहीं। एक बार में हो गया, वाह देखो। चलो एयो, व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ शूम्स लाइफस्टाइल। दिस इज द थर्ड टेक, क्योंकि जितने बार भी मैं रिकॉर्ड कर रहा था पीछे का कैमरा से हो रहा था, सामने का कैमरा से हो रहा था, इट वाज कंफ्यूजिंग। सो आई गेस दिस इज गोइंग राइट। सो टू इन दिस वीडियो, बहुत दिनों से ये अवेटेड वीडियो है ऑफ शूम्स लाइफस्टाइल, मैं भी करना चाहता था। आप लोगों भी कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि अपने पापा का बाइक का रिव्यू कर, ठीक है। So it's here after getting the GoPro. So firstly thanks to Mama who gave me the GoPro, who gifted me the GoPro. Very much thanks to him. अभी माइक अडेप्टर नहीं है भाई, तो अगर थोड़ा हवा वाला नॉइज़ आए तो इग्नोर कर देना। एंड आई वॉज नॉट राइडिंग एज फास्ट, तो हवा वाला नॉइज़ ज़्यादा नहीं आएगा। एंड दिस इज़ अ वेरी स्पेशल बाइक, ठीक है। और GoPro आने के बाद ही मैं ये व्लॉग प्लान किया था, क्योंकि वो मोबाइल लगा के माइक लगा के, that was a very hectic process. Huge shout out to Ayonda motovlogger 46 who always motovlogs in his R15 with mobile phone, theek hai, hats off hai bhai. Utna hectic process mujhe nahi aata. So pichle wale clip mein thoda cut raha tha mera face, kyunki wide angle mein nahi tha. Anyways guys, I am shooting with a back camera and this is a very special bike, theek hai. This is a 2004 Bajaj/Kawasaki Wind 125 super bike hai bhai. वाह बेटे, एनी वेज, दिस इज 2004 Bajaj/Kawasaki Wind 125। वाई बजाज एंड कावासाकी? दिस वॉज द बाइक इन विच बजाज एंड कावासाकी कोलाबोरेटेड। बजाज का डिज़ाइन लैंग्वेज एंड कावासाकी का इंजन, ठीक है। दिस इज अ 2004 मॉडल, ठीक है। इसके बाद प्लैटिना लॉन्च हुआ था। प्लैटिना इज 100 cc एंड दिस इज अ 125 cc ऑफ अ कावासाकी इंजन। प्लैटिना के अंदर बजाज का 100 cc इंजन है, ठीक है। एंड दिस इज़ अ कावासाकी इंजन, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। बजाज और कावासाकी मिलकर ये मॉडल लॉन्च किया था। बजाज का लोगो विद इन द बॉडी आता था और कावासाकी इन द इंजन। उसके बाद कावासाकी ने क्या किया, दे आई डोंट वांट टू से दिस बट दे कॉपीड द डिज़ाइन फ्रॉम बजाज एंड दे ऑल्सो लॉन्च देयर विंड 125 सेम टू सेम, जस्ट बजाज की जगह कावासाकी का लोगो था। इट वॉज अ कावासाकी विंड 125, लेकिन ये बजाज वाला ज़्यादा नहीं दिखता है, ठीक है, क्योंकि कावासाकी वॉज अ मोर रिनोन ब्रांड। सो जब 2005 में कावासाकी ने विंड 125 लॉन्च किया, तब लोगों को पता चला कि हाँ ऐसा भी कोई बाइक है। एंड दिस वॉज अ 2004 वेरी यूनिक मॉडल, वेरी यूनिक कलर। दिखाते हैं आपको बाइक एंड मोटो व्लॉग। तो दिस इज द वेरी स्पेशल बाइक, जो 2004 का टायर से वो अभी भी है MRF के, ठीक है। सो आई वॉज राइडिंग इन अ 16 ईयर्स ओल्ड। इट इज़ अ 18 इंच 195 सेक्शन स्पोक व्हील, ठीक है। ड्रम ब्रेक्स ऑब्वियसली एंड नॉर्मल हैलोजन इंडिकेटर्स ऑब्वियसली। WB20L2826 दिस इज़ द नंबर ऑफ माय फादर्स बाइक, सर्च कर लेना, ठीक है। ये हेडलाइट थोड़ा टूट गया है, दूसरे का फॉल्ट था। बजाज का लोगो इधर पे देखने को मिल जाता है, 21142 समथिंग आई गेस दिस अ बल्ब पावर। बजाज का लोगो इधर में मिल जाता है, विंडस्क्रीन में स्क्रैचेस है, ऑब्वियसली 2004 बाइक डूड। एंड हैलोजन इंडिकेटर नए वाले हैं ये। एंड ऑल्सो दिस इज़ माई हेलमेट, जो लोगों को नहीं पता है, दिस इज़ अ R2K ऑफ स्टील बर्ड ग्रे एंड मैट फिनिश में। एंड दिस इज़ माई Hero 9, लुकिंग सो मच ब्यूटिफुल डूड, आई एम इन लव विद दिस, ठीक है। दीज आर द मिरर स्टिकिंग आउट फ्रॉम द बाइक, फ्रॉम द हैंडल बार इट सेल्फ। दिस इज नॉट अ क्लिप ऑन ऑब्वियसली, दिस इज अ नॉर्मल कम्यूटर मोटरसाइकिल। एंड हैंडल ग्रिप्स चेंज किया गया है, ऑब्वियसली बात है, इतने दिन होगा तो ये सब तो करवाना ही पड़ेगा यार। दिस इज द टैंक, इस टैंक में ही दिक्कत था, इसीलिए ये बहुत दिनों से गैरेज था, चला नहीं था। तो दिस टैंक इज प्रॉपरली रिपेयर्ड एंड जो कार्बोरेटर है बाइक का, दैट इज़ प्रॉपरली क्लीन एंड रिपेयर्ड। नया बैटरी डला है, ये सब जगह पे पूरा स्प्रे पेंट हुआ है, रस्ट पकड़ लिया था, ये सब जगह पे भी स्प्रे पेंट हुआ है, ठीक है। द सीट कवर इज़ न्यू, लिखा हुआ है विंड 125, यू गाइस कैन सी, ये स्टिक हो चुका है, ठीक है। एंड इधर पे भी विंड 125 का बैजिंग है, इधर पे बजाज का बैजिंग है, लेकिन
दिस इंजन इज अ कावासाकी इंजन. जो ये वाला नॉब है, व्हाट दिस डज, ओल्ड स्कूल गाइस नो, नए वाले लोगों को तो फ्यूल इंजेक्शन पता है, ये वाला सिस्टम नहीं पता है. दिस इज अ कार्बोरेटर सिस्टम. अगर आप ऊपर करो तो रिजर्व में जाएगा, आई गेस ये लिखा हुआ है RES, और नीचे करो तो ऑन, और मिडिल में करो तो ऑफ. इधर में फ्यूल भी लिखा हुआ है, दिस स्विच. तो जब भी एक बाइक खड़ा करना पड़ता है इसको ऑफ करना पड़ता है, टेल तपकता है. दिस इज द हॉर्न, ठीक है. हॉर्न इज नाइस एंड सटल. इधर में क्रैश गार्ड लगा हुआ है गाड़ी में, इधर में सारी गार्ड है, एंड इधर में हुक है. आई इसको बंद करते हैं यार, पीछे कोई नहीं बैठने वाला मेरा. एंड पीछे नंबर प्लेट इज़ वेरी स्पेशल, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है. मेरे पापा का जो भी पहले इंडिगो था उसमें भी सोमाशीष लिखा हुआ था, इसमें भी सोमाशीष लिखा हुआ है. अभी तो ये सब बैंड है, अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स आ चुका है. नया वाला इंडिकेटर से ब्रेक लाइट इज हियर, यू गाइस कैन सी. देयर इज द मड गार्ड एंड दिस इज द एग्जॉस्ट, ठीक है. ओ लिखा हुआ है भाई, कावासाकी के टेक इंजन. दिस इज अ 125cc इंजन विथ, मतलब चुम्मा पावर. क्या पावर है भाई बाइक का. दिस इज द किक स्टार्ट. दिस डोंट हैव अ सेल्फ. तो दीज आर हेडलाइट बटन्स. दिस इज द हॉर्न, दिस इज द टर्न सिग्नल, दिस इज द हेडलाइट स्विच, हेडलाइट टू डिपर स्विच, एंड पीछे वी हैव द पास लाइट स्विच, ठीक है. एंड दिस इज द स्पीडोमीटर. अभी देखोगे तो आप 7900 ये मीटर है, और जो सफ़ेद वाला है दिस इज मीटर्स, दिस इज नॉट किलोमीटर्स. मतलब इसमें दिखा रहा है 7790.5 किलोमीटर्स चला हुआ है बाइक, लेकिन नहीं, इसका वायर बहुत दिनों से निकला हुआ है. सो इट्स अराउंड 20,000 to 25,000 किलोमीटर्स रन हुआ है बाइक, ठीक है. द RPM मीटर इज़ प्रॉपरली वर्किंग, फ्यूल गेज इज़ नॉट वर्किंग, एंड दिस होल स्पीडोमीटर एंड द किलोमीटर गेज इज़ नॉट वर्किंग. सो दिस इज़ द की, ओरिजिनल की है, देख सकते हो ऐसे ही चाबी आता था. दिस इज़ अ फ्यूल टैंक, ऐसे खुलता है, प्रॉपर ओल्ड स्कूल वाइब्स डूड, ठीक है. एंड दिस इज़ द हैंडल लॉक. हैंडल मुझे टेढ़ा करना पड़ेगा, खुल चुका है. एंड दिस इज़ द इग्निशन, ठीक है. चलो अभी निकलते हैं, अभी मुझे एक जगह जाना भी है, सो लेट्स गो देयर. चलते चलते बातें करते हैं भाई. हेलो भाई, मेरा तो फर्स्ट टाइम है GoPro से मोटो ब्लॉग. अभी देखते हैं कि कैसा ऑडियो आता है. मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कैसा ऑडियो आ रहा है, क्योंकि नो एक्सटर्नल माइक्स आर कनेक्टेड राइट नाउ, ठीक है. पूरा इंटरनल माइक्रोफोन से हो रहा है, क्योंकि भाई देखो अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं एक्सटर्नल माइक का वो 4,500 रुपया देके अडाप्टर खरीदूँ. बाइक में अभी पेट्रोल का मीटर शो नहीं करता है, तो इसमें अभी मुझे पेट्रोल भरवाना पड़ेगा. 50 का भरवा लेंगे सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये रास्ते में बंद हो जाए तो मुझे धक्का ना देना पड़ेगा, इसको बेइज्जती हो जाएगा भाई. एंड दिस इज माय फादर्स बाइक. अभी भी बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है, 2004 का बाइक है, 2004 अगस्त, ठीक है, जब मेरा 2 साल उम्र था, तब का बाइक है ये. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि रिकॉर्ड हो रहा है यार. GoPro का स्क्रीन बंद हो गया है अभी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि रिकॉर्ड हो रहा है यार. कि भाई ये 2004 का बाइक है, कोई बोल रहा है मुझे. वैसे सॉरी फॉर द हवा, कितना हवा आ रहा है, कितना ऑडियो आ रहा है मुझे नहीं पता है. आई होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ अच्छा जाए, क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट ट्राई विद द GoPro मोटो भाई, ठीक है. गुरु जी का नाम लिखा हुआ है सामने, देख लो, अनिल लॉल. तो हाय गुरु जी, आपका ऑटो मुझे दिख गया है. गुरु जी का कोई ऑटो नहीं है. ब्रेक थोड़ा ढीले है भाई इसका, लेकिन ठीक है, काम चल जाता है. इधर पे ही लेफ्ट में घुसना है. Sponsors. Look at
फाइन तो बैग का फाइन हां ए सामने का ब्रेक यूज ही नहीं कर रहा हूँ यार सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किसी का ब्रेक यूज कर रहा हूँ और सेकंड गियर में पिकअप देखो या व्हाट अ बैड प्लेस प्लेस रियली रियली बैड ब्रेक रखना पड़ता है स्टार्ट बंद हो जाता है कार्बोरेटर कुछ दिनों पहले कार्बोरेटर पूरा साफ करवाया गया है ठीक है विथ फ्यूल टैंक पूरा रिपेयर हुआ है फ्यूल टैंक एंड जो जगह पे थोड़ा रस्ट आ गया था उसमें पेंट हुआ है लाइक स्प्रे पेंट लेफ्ट साइड में आ रहा है मेरा फेवरेट स्ट्रेच खींचने का कोशिश करेंगे थोड़ा इस टाइम पे भीड़ नहीं रहता है अभी बज रहा है क्या कितना बजा होगा 3:30-4 बज रहा होगा चार का हिसाब से वाइब्स आर बहुत ज़्यादा लेस ठीक है एंड ब्रेकिंग रिस्पॉन्स इज अमेजिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज अमेजिंग डूड मतलब मेरा पापा का बाइक है इसीलिए तारीफ नहीं कर रहा इट्स ट्रूली अमेजिंग आप अगर सामने से इसको चला के देखोगे ना इट्स लाइक सुपर अमेजिंग कोई नहीं बोलेगा कि ये एंड ये मैं अपना किलोमीटर्स में अपना दिखा रहा है सिर्फ 7,000 चला है नहीं ये 20-25,000 तो चल चुका है बाइक 2004 से लेके एंड लाइक स्मूथली चलाना चाहो तो स्मूथली भी चला सकते हो लाइक दिस वाह क्लच कर दी गई थे क्लच इज सुपर नाइस टिल नाउ एक बार भी क्लच चेंज नहीं हुआ एक बार भी टायर चेंज नहीं हुआ 2004 का टायर चेंज हुआ बाइक चला रहा है ठीक है लेट वेट चेंज होता रहता है कार्बोरेटर क्लीन है नया बैटरी है गाड़ी में कैसे लोग हैं यार इन लोगों को लाइसेंस कौन देता है अंकल हेलमेट के बिना डिलीवरी करना निकल चुका है उसे कुछ देखो रास्ते में कहाँ जाना है भैया कहाँ जाओगे भाई क्या भागता है भाई अमेजिंग अमेजिंग और इस नाइस एंड टोटल एग्जॉस्ट नोट सुन लो एंड दिस इज अ 5 गियर बाय द वे दिस इज नॉट अ 4 गियर मशीन दिस इज अ 5 गियर मशीन सो मैं सिर्फ 4th गियर में चला रहा था एंड दिस वाज दिस फास्ट इतना सारे बम्पर से यार दिस इज अ प्रॉपर कम्यूटर मशीन ब्रो कितना माइलेज देता है लाइक 40-45-50 किलोमीटर आराम से माइलेज दे देता है गाड़ी अभी भी ठीक है एंड द मिरर व्यू इज नॉट सो गुड अरे बोलो व्हाट्सएप मुझे पूछो सारे कंप्लीट हो सो हाउ इज दिस कोंडा एटा एटा हमार बाबा 2004 प्रचुर माइलेज दे प्रचुर सो हियर इज कोविद विथ अस अंदर में पार्ट रिकॉर्ड किया था लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया ठीक है एंड वी आर एट कोड डिटेलिंग सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम देर इज़ अ लिंक बिलो इन डिस्क्रिप्शन एंड कोड डिटेलिंग सर्च करोगे तो आ जाएगा सो थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग दिस प्लेस विल बी इनॉग्रेटेड टुमारो आज सिर्फ पूजा हुआ है ठीक है एक बार मैं प्लेस आप लोगों को दिखा देता हूँ लाइक चेक दिस प्लेस आउट इधर पर आपको डीलिंग प्लेस पूरा मिल जाता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेस का वीडियो बनेगा अभी बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है स्पेस इट्स फील्स लाइक होम रैदर एंड
जो ब्लैक सिविक का हम लोगों ने रिव्यू किया था, आप लोगों ने कोविद को बिहारा वाले वीडियोस में देखा होंगे, दैट वाइट बॉडी सिविक एंड द ब्लैक सिविक ऑफ ज्योतिष कोदा, पूरा डिटेलिंग एंड पेंट करेक्शन का काम कोविद ने किया था। सो वी विल बी कमिंग हेयर कार डिटेलिंग स्टूडियो पे बहुत जल्द एंड वीडियोज़ विल बी ग्रेट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग, बाय बाय फॉर नाउ, आते रहेंगे मिलते रहेंगे, चलो चलो बाय, थैंक यू, टाटा। हेलो कंप्रेशन है हाँ। अभी चलते हैं सीधा घर। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, दिस मोटो ब्लॉग, दिस होल थिंग्स, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वही मोटो ब्लॉग्स आएंगे, ऑडियो कैसा लगा ज़रूर से बता देना मेरे को। देख रहे हो भाई, एंड अभी आई एम नॉट यूज टू दिस मोटो व्लॉग थिंग, सो ज़्यादा बात नहीं कर रहा मैं, एंड आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। सो आई एम बैक होम, सो फर्स्ट एवर प्रॉपर मोटो व्लॉग विद अ गोप्रो, कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बता देना मेरे को, एंड कमेंट करके ये भी बताना क्वालिटी कैसा है, ऑडियो कैसा है, एंड यू वॉन्ट फ्यूचर मोटो व्लॉग्स और नॉट, I should do it or not. On this note, let's close the video. If you guys enjoyed this video, for whatsoever reason, do it the like button, subscribe to my channel, turn notification bells on, follow me on Instagram at @18_valley_404. As always, I'm at the end of today's video. I look forward to seeing you in the next video real soon. Bye bye.